सुप्रभातम पिला माने षष्ठ श्रेणी रो भूगोल मु आलोचना करूची आमर भारत रो जलवायु एही विषय टी मु पढ़ौतली एको पुनराभ्यास पुनी चालीची कंटाबुदा जंगल कथा आलोचना कर सारिथिली पार्वत्य अरण्य उच्चता बढ़िबा संगे संगे पार्वत्य अंचल रे भिन्न भिन्न प्रकार उद्भिद सब देखा जाती कारण उच्चता वृद्धि सहित वायु तापमात्रा ह्रास पाई था प्राय 1500 रु 2500 मीटर उच्चतार गच्छ गुड़िक शंकु आकार अरण्य को सरल वर्ग अरण्य कहा जाए बहुत बड़ बड़ उचा विशिष्ट होता है चीर पाइन देवदारु यही अरण्यर मुख्य वृक्ष हिमालय पर्वतमाला अधिक उच्चता ओ विस्तृति दृष्टि अनेक प्रकार प्राकृतिक उद्भिद जन्मी था जुआरिया अरण्य बा हेन्तालवन उपकूलवर्ती जुआरिया जुआर पाणी माड़ुथबा संतसंतिया अंचल रे ए हेन्तालवन देखा जाय थाय हेन्ताल वृक्ष ए अरण्यर मुख्य वृक्ष अटे पश्चिमबंगर गंगा नदी मुहान रे सुंदरवन रे ए प्रकार अरण्य देखा जाय थाय सुंदरवन रे सुंदरी वृक्ष विशेष भाव रे जन्मी थाय ओडिसा रो भितरकनिका जोटा कि केन्द्रापड़ा जिले में अवस्थित एवं अंडमान निकोबर द्वीपपुंज हेन्ताल वन मान रही अरण्यर उपकारिता आम समस्ते जानी आमपाई अरण्यर जथेष आवश्यकता रही आमर विभिन्न कार्य संपादन करता गुड़िक खाद्य प्रस्तुति कर अंगारकाम बाष्प ग्रहण करम्लान आमको जगह तेणुक आमको खाद्य जगैवा सह शुद्ध वायु आम श्वासक्रिया पाई आमको सब वाले प्रदान करें प्रश्वास ग्रहण करेरमूल द्वारा वृक्ष गुड़िक मृत्तिका को बांधि रखी था मृत्तिका क्षय ह्रास पाई थाए जंगल रु गृह आसवाब निमंते काठ जाळेनी जाळेनी काठ गोमे गोमेश आदि पशु खाद्य औषधीय वृक्ष चेरमूली लाख महु छुणा एमती बहुत जंगलजात द्रव्य आमे संग्रह कर जंगल ही वन्य प्राणी मान गोटे प्राकृतिक आवास स्थल अटे अनेक जीवजंतु से आश्रय नहीं व्यतीत जंगल बृष्टिपात करिवारे सहायक होता है तेणु जलवायु को प्रभावित करिवारे जंगलर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही अबाध गच्छ काटिबा कारणरु अनेक अंचल रे ये प्राकृतिक उद्भिद संपूर्ण नष्ट होइगलाणी तबे जंगल ही वन्य प्राणी प्राकृतिक आवास स्थल अटे एबे जो सब अंचल रे जंगल अच्छी से गुड़िकर सुरक्षा करिबा जरूरी ए विषय रे आमे जनसचेतनता सृष्टि करिबा आवश्यक अन्यान्य कार्यक्रम माध्यम रे लोक मानकु वृक्ष रोपण पाई सचेतन करैबा आमर वर्तमान गुरु दायित्व अटे तबे मु आज गोटे होम वर्क देबी ए होम वर्क टी हला कोन अरण्यर उपकारिता ए प्रश्नटी मते छटा पॉइंट रे ए प्रश्नटी लिखि मो व्हाट्सएप नंबर रे पठेबो पिला माने आज कालांश को एतिक रे मु रखुछी।